वो पीछे टाइगर आ गया। अरे वो आगे बेबी बोरी। रोक तो गाड़ी यही, रोक तो यार। बच्चा भी है साथ में, दो बच्चे हैं, दो हैं, तीन है। मैं तो सोच रही थी बस पूल होगा, खाना खा के आ जाएंगे। ये तो आप लोगों ने पूरा पार्टी सीन कर दिया यहाँ पे, बहुत सुंदर। ये भी थोड़ा सा इधर को कर दो। अविनाश कितना सुंदर किया है, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही। इसको थोड़ा और पास कर सकते हो, कर दो, हो जाएगा। तो आज हमारा डिनर सब लोगों ने प्लान कर दिया पूल के पास, हमें पता नहीं था, सरप्राइज दे दिया और बहुत ही खूबसूरत सजाया, बहुत ही अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इतना प्यार से वेलकम कर रहे हैं तो पूल में, पूल के पास सिर्फ एक डिनर रखा होगा, लेकिन इस तरीके से ये लोग करेंगे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और इतना क्यूटली सजाया है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस के घर में जब पार्टियां होती है, जो वो पूरे रोमांटिक सीन होते हैं ना, तो ऐसे ही होते हैं, देखा तुमने? हाँ। वो पूरा वैसे ही थीम लग रहा है मेरे को, बिग बॉस का घर लग रहा है सडनली मुझे। हाँ, ब्यूटीफुल, देखो पूरे नीचे बलून रहे हैं मेरा। हाँ हाँ हाँ, देखा मैंने। तो हम लोग रूम में वापस आ गए हैं और होटल के स्टाफ ने इतने प्यार से हमें डिनर कराया है, इतना प्यार से सजाया हुआ था। एक्चुअली हम लोगों को भी मालूम नहीं था कि इतना कुछ तामझाम ये करने वाले हैं, बट वी वर वेरी सरप्राइज्ड एंड हैप्पीली सरप्राइज्ड कि हमारे लिए इतना अच्छा इंतजाम किया। और अब हम लोग खाना खा के आ गए हैं रूम में और जा रहे हैं सोने के लिए। तो आपको मिलते हैं कल मॉर्निंग में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वही सफारी है और सफारी करके आते ही हमको जाना है एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी फ्लाइट है। तो आपको मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। ये गुड नाइट क्यों बोला तुमने? डी कहाँ गया? मेरे को लगा तुम ज्वाइन करोगी बीच में, तुमने किया ही नहीं तो उधर ही छूट गया। बोलो, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमारी सुबह की सफारी के लिए हम लोग एकदम तैयार हो चुके हैं, पैक हो चुके हैं। आज और भी ज़्यादा पैक है क्योंकि कल के बाद पता चल गया कि ठंड और भी ज़्यादा है। संभावना अपनी कॉफ़ी बनाने में लगी हुई है। देखो इग्लू निवासी लग रही है, जो तो इग्लू में लोग होते हैं ना, छोटे छोटे घर बना के रहते हैं बर्फ में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे बेबी, तैयारी मैंने कर ली सारी। तुम बर्फीली जगह पे जा रही हो? अभी कल उठ के आए, तुम्हें पता नहीं है क्या हो गया? टेडी कॉफी। बेबी आज आलू बोंडा खाएंगे। हैं? आलू बोंडा बनेंगे। आलू बोंडा बहुत टेस्टी था, दो दो खाएंगे। ठीक है, पहले ले लेंगे। ठीक है, पैसे ले। हाँ, ये क्या कर रही हो? फैट तो फकर जैकेट पहनूंगी, ये पहनूंगी, टोपी मैंने लगा ली है। I'm all set now. अच्छी लग रही हूँ। अरे क्या हो गया? अरे अरे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है बेबी, और ब्लैंकेट ले लेना इनसे। ब्लैंकेट तो वो गाड़ी में ले लेंगे ना। आ गई क्या गाड़ी? देखो बस आ रही है। अच्छा सुनो ना, कल की सफारी के बाद तुम अब क्या एक्सपेक्ट कर रही हो आज की सफारी से? मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, कुछ ना भी दिखे तो चलेगा, क्योंकि सब कुछ देखा हमने कल, जो जो नहीं सोचा था जिंदगी में वो सब देख लिया। अब वो हमें देखेंगे। अब हमें उनको दिखाना कि हम कौन है। जिप बंद कर लेना, ये तो खो जाएगी चाबी। गुड मॉर्निंग। अरे भैया, हमने तो किसी और को बुक किया हुआ था। सुनील नाम था। सुनील नाम है। सुनील नाम है। हाँ, हाँ सुनील है क्या यहाँ पे? एक मिनट, सुनील है यहाँ पे। हाँ सुनील, ये रहे ना, ये रहे, ये रहे, ये रहे। अरे सुनील, गुड मॉर्निंग। गाड़ी वाला भी चेंज हो गया। अरे ब्लैंकेट की क्या हालत कर दी बेबी, ब्लैंकेट ही हमारी जिंदगी बचाएगा। मेरी तो बचा ली, तुम्हारा पता नहीं। बेबी मैं क्या बोल रही हूँ, अभी अंदर जाने में कम से कम 10 मिनट है, तब तो इतनी कॉफी पीले। नहीं नहीं सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इट विल गिव यू वार्मथ इनसाइड। वांट टू हैव? पी लो पी लो। बस इसी में से शेयर कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी। इसकी मोनाको की बात तो नहीं हुई थी? टाइगर देखने के लिए पेट भरा भी होना जरूरी है, ठीक है? उसका भी और तुम्हारा भी। कम, हैव चीयर्स गाइस। हाँ बेबी, क्या कॉफी बनी है। तो एंट्री हम लोग की चालू हो गई है, भगदड़ मच गई है फटाफट कि कौन सी गाड़ी पहले जाएगी, क्योंकि पहले अंदर जाने में एक एडवांटेज होता है, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट होता है और गाड़ियों की आवाज़ सुन के कई बार वो छुप जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए पहले जाने में एडवांटेज तो मिलता है। टाइगर नहीं तो कुछ और तो देखने को मिली। टोपी कैसी लग रही है?
बहुत बढ़िया। याद है हमने साथ में खरीदी थी, तुम मेरा मजाक बना रहे थे सब। मैंने ही फोर्स करके खरीदवाई थी टोपी तुम्हें, फिर पैसे मैंने तुमसे दिलवाए थे। क्या नंबर मिला गेट? एक नंबर। क्यों, क्या हो गया? एक नंबर में आया है क्या? एक नंबर में कुछ खास नहीं है ना। नहीं देखते कुछ खास करते हैं अगर। घुसते ही हमें लगा हमने वाइल्ड डॉग देख लिया, लेकिन ये जयकाल है। जयकाल नहीं है, जयकल। जयकल, जयकाल क्या फिल्म देख रहे हो क्या? पुरानी 90s की, कितना क्यूट है ना। हम प्यार करेंगे तो काटेगा क्या? वो भाग जाएगा। हम लोग उस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे कल वाइल्ड डॉग्स ने किल किया था, तो वो किल अभी तक वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका सींग दिख रहा है, पूरा नहीं खाया है। कल भी डरे हुए थे ना, वो भाग गए लग रहा है तो। लेकिन और किसी जानवर ने भी नहीं खाया, लेपर्ड वगैरह ने? पता नहीं चला होगा। पता नहीं चला ना सर, स्मेल का अभी देखिए, स्मेल कुछ नहीं आ रहा उसका। स्मेल करेगा तो वल्चर्स भी आएंगे, ये जो जैकल देखा वो भी आ सकते हैं। इन्हीं का कोई भाई बंधु होगा ना जिसको खाया कल। देखो कैसे मुंह टेढ़ा करके देख रहा मैं, फाइटिंग के चक्कर में। फाइटिंग एक दूसरे से फाइटिंग कर सकते हैं। इनकी फाइटिंग बहुत खतरनाक होती है ना। लग रहा है रुको रुको एक सेकंड, फाइटिंग ही देख लें। लेकिन फाइटिंग के लिए तो ये अंदर जा रहे हैं, अकेले में करेंगे नहीं करेंगे। मुंह टेढ़ा तो उसने ऐसे ही किया था जैसे फाइटिंग करने जा रहा है। चलो कर ले भाई कर ले। ये आपको पास में पेड़ पे दिखा रहे हैं, ये सारे टाइगर ने मार्क किए हुए हैं, जो नाखून से ऐसे ऐसे मार्क करते हैं ना, पूरी मार्किंग की हुई है। और ये फ्रेश ही है। और ऐसा करने से उनके दो तीन फायदे हो जाते हैं, एक तो टेरिटरी मार्किंग हो जाता है, दूसरा हाइट दर्शक देता है, तीसरा उनके नेल साफ हो जाते हैं। किधर को आए पग मार्क्स? हाँ ये रे ये रे ये रे। टाइगर है, टाइगर है, मेल है, मेल मेल टाइगर, मेल टाइगर है। ये रे पग मार्क्स, पंजे देखिए ना कितना। हाँ कितना बड़ा है पंजा। अच्छा बड़ा पंजा मतलब मेल है। हाँ पूरा स्क्वायर बनाएंगे ना तो मेल का पूरा स्क्वायर बनेगा और फीमेल की लंबाई ज्यादा होगी। सो अभी अभी हमने गाड़ी रोकी और ये मालूम पड़ा कि यहाँ से टाइगर अंदर को वहाँ को गया उस साइड पे। सो अभी देखते क्या डिसाइड कर रहे हैं। रुके हुए हम लोग और ये फ्रेश पग मार्क्स है टाइगर के। कुछ मूवमेंट है कुछ ऐसा? पता कुछ नहीं है। अभी कुल्हाड़ी वाला लेके अपनी सुरक्षा के लिए लेके जाते हो? डर नहीं लगता ऐसे चलते हो तो? नहीं लगता। चलो क्या डेयरिंग है यार, थोड़ा जल्दी चलना भैया। क्या हो रहा है अंदर? है टाइगर है इधर है सर कहीं। तो हाथी कैसे ले जा रहे हैं वहाँ पे? वो तो डिपार्टमेंट के पेट्रोल पे गए। नहीं लेकिन इधर है तो हाथी जाएगी तो वो चढ़ेगी नहीं, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे चला रहा है ना पैर से, पैर से कैसे चला रहा है ना हाथी को। अरे यार कितना क्यूट लग रहा है हाथी यहाँ। अरे यार कितना क्यूट है अभी। क्या हुआ क्या हुआ? निकल नहीं है, निकल रही है अभी, बैठ जाइए। वो पीछे टाइगर आ गया। वो आ रही है, वो आ रही है। आगे। अरे अरे वो आ गई बेबी बोरी। आने रोक दो गाड़ी, यही रोक दो यार, रोक दो। ये कॉलर वाली है ना? हाँ, बच्चा भी होगा। बच्चा भी है साथ में, दो बच्चे हैं बेबी साथ में, दो हैं, तीन है, तीन है, तीन तीन बच्चे हैं बेबी। माय गॉड बेबी इधर ही आ रही है। अरे बाप रे बाप, तीन बच्चे। जख्म ठीक हो गया, हमें फाइट विद टाइगर दिखी है तीन बच्चों के साथ, तीनों बच्चे उसके। This trip is unbelievable, baby. घुमा लो. Baby कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे को विश्वास ही नहीं, इतना क्लोजली निकले हैं वो। हाय राम। तीनों बच्चों के साथ तो बहुत रेयर होगा ना। और ये कल उदी को पुकार रही थी, वो अंदर को जा रही है अभी। आज जो हमारी साइडिंग हुई है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद ऐसा कभी और हमें देखने को मिलेगा। इतना क्लोज मतलब ये यहाँ से निकले हमारे और तीनों बच्चों के साथ, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब मुझे पता था बच्चे हैं इसके, लेकिन इतने छोटे छोटे हैं ये नहीं पता था। और किस तरीके से वो गए हैं ना, कितने ओबीडियंट बच्चे थे। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर को है, हो सकता है वो घूम के फिर इधर आ जाए। सो वी ऑल आर वेटिंग। मैं कह रही थी ना येस्टरडे वॉज द बेस्ट डे, मतलब मोस्ट मेमोरेबल डे होगा आई थिंक। ये दिन तो मैं बिल्कुल ही नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हें तुम्हारे क्या चल रहा है दिमाग में? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार अगर मोबाइल से भी वीडियो बन गया होता तो अच्छा रहता। हट, क्योंकि कैमरा ना बहुत हिल रहा था। और बराबर लिया नहीं क्या? नहीं मैंने ले लिया, बट वो पूरा मोमेंट तो मैंने कैप्चर नहीं किया। मैं भी देखना चाह रहा था, मेरा भी मन कर रहा था ना देखने का, तो मैंने बीच में
कैमरा हिला होगा क्योंकि मैं अपनी ऐसे डायरेक्ट आंखों से देखना चाह रहा था। कॉलर वाली और उसके बच्चे दिखने की खुशी में संभावना ने खुद को ट्रीट दिया, कॉफी ट्रीट। चीयर्स। ये खड़ा हुआ होगा शेर तो इतना लंबा है। नहीं वो तो लास्ट वाला जो है ना वो सबसे ऊपर, वो जंपिंग वाला है। ये मेल टाइगर का है? नहीं कॉलर वाली का पीछे ले। ओ, ये पेड़ पे आप इस स्क्रैच देख रहे हो, ये उसी टाइगर से मारा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे। और कितनी हाइट पे मारा है देखो आप, ये देखो मतलब हम लोग की हाइट का डबल है ऑलमोस्ट। डबल नहीं है, डबल से ज्यादा। ऐसे ऊपर स्क्रैच मार के भी बताते हैं कि हमारी हाइट कितनी ज्यादा है दूसरे टाइगर को बताने के लिए, ताकि उनकी टेरिटरी में कोई और ना घुसे, पावर दिखाने के लिए। अच्छा वो ऊपर वाला जंप मार के मारा है उसने। हाँ। ये देखो ये लंगूर है, ये पत्ता तोड़ेगा ऊपर से क्योंकि पत्ते नीचे नहीं मिलते, और नीचे हिरन खड़ा है जो खाएगा ये पत्ते। इनकी भी एकदम शोले वाली दोस्ती है, जय वीरू वाली। तोड़ेगा तोड़ेगा, अभी वो खा रहा है ना नीचे हिरन, ऑलरेडी फेंका हुआ है उसने, पहले खुद खाएगा ना, मतलब ही बंदर है ना। अरे फेंकना उसको, भूखा है नीचे खड़ा है, वो वेट कर रहा है, देख भी रहा है कि वो चल के जा रहा है, तब भी अपना मतलब साध रहा है। देखो वो ढूंढ रहा है नीचे, खाना ढूंढ रहा है, देखो देखो बेबी नीचे खाना ढूंढ रहा है अकेला, और वो है कि अपने खाने में बिजी है। इतने सारे जंगली सुअर, बहुत सारे यार। ये खाला वाला तो बहुत ही ताकतवर लग रहा है। अरे उड़ा देगा ये तो टाइगर पे भारी पड़ जाते हैं बहुत। देखो अभी पीठ खुजला रहा है, पीठ खुजला रहा है, देखो पीठ खुजला रहा है अपनी, उसको खुजली हो रही है ना पीछे से। ये टाइगर का फेवरेट फूड है सुअर, वाइल्ड बोन, और इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर फैट बहुत होता है। और जब टाइगर इन पे हमला करता है, अगर इनको पीछे बैकअप मिल जाए ना, कोई पेड़ या कोई पत्थर रॉक, तो फिर तो ये टाइगर को भी मजा चखा देते हैं। टाइगर पीछे से हमला करता है ना, इनको पीछे अगर बैकअप मिल जाए उसके बाद लड़ते हैं, दांत में दांत फंसा के। अरे इनका दांत लग जाए टाइगर, टाइगर की जान जा सकती है। तो हम लोग सेंट्रल पॉइंट पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे एक वॉशरूम ब्रेक और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, आलू बोंडा। बेबी ऐसा लग रहा है आलू बोंडा ही जा रहा है। बेबी कैमरा लेके जाओ, तुम कॉफी निकालो, मैं आलू बोंडा लेके आता हूँ। ठीक है, कम फास्ट बेबी। सो गाड़ी हमारी पार्क हो गई है और हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है, दिखाती हूँ। अरे बड़ा कम है, हाँ हमारा कॉफी का भी वो दे दो बस, थैंक यू। दो कप्स भी होंगे उसके अंदर ना, थैंक यू। आप भी ना फटाफट ब्रेकफास्ट करके आ जाओ। हाँ पिक्चर, हाँ कम कर दे, सेल्फी ना कम कर, डिडंट कम आउट नाइस, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। खुद ही पीता जा रहा है वहाँ से, इधर आ ही नहीं रहा है। बेबी इन्होंने वो ब्रेड तो दिया ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ करो ना ब्रेड का इंतजाम। ब्रेड यहाँ बिल्कुल नहीं मिली, यहाँ तो सिर्फ आलू बोंडा। किसी से मांग लूं? हैं? किसी से उधार मांग लूं ब्रेड? ब्रेड उधार मांगूंगी। हाँ भूख लग गया, बगल में बहुत माल है, कहाँ पे डब्बा लेके आए, देखो बगल वाले बोनट पे बहुत सारा दिख रहा है खाना मेरे को वहाँ पे। कोई मेरे से फोटो खिंचवाने आया था, उन्हीं से मांग लेती ब्रेड होती तो। हाँ फोटो खिंचवाने आया था वो लड़का, कहाँ गया? मांग लो ना उसी से, मैं देखती हूँ कि कोई और मुझे पहचानता है तो उससे फोटो खिंचवाती हूँ। फोटो खिंचवाओगी तुम खुद जाके? मेरे साथ फोटो खिंचवाओगे? मैं संभावना हूँ, और उसके बदले ब्रेड मांग लो। आलू बोंडा खा लो ठंडा हो जाएगा। मेरे को ब्रेड चाहिए।